This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. जनजातीय क्षेत्र भरमौर में केंद्रीय बजट के जरिए सड़क के चल रहे कार्य की गुणवत्ता की पोल विधायक डॉक्टर जनक राज ने रविवार को खोलकर रख दी। साथ ही विभाग की व्यवस्था को भी कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है। चूंकि सड़क पर तारकोल बिछाने के चल रहे कार्य की निगरानी के लिए मौके पर कोई अधिकारी तैनात नहीं था, विधायक की माने तो गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर जब संबंधित विभाग के मंत्री के मोबाइल पर तुरंत फोन किया तो उन्होंने इसे उठाना भी गवारा नहीं समझा। लिहाजा विधायक ने कहा कि जब पीडब्ल्यूडी मंत्री एक चुने हुए प्रतिनिधि का ही फोन नहीं उठाते तो जनता के क्या जवाब देंगे। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम का विधायक ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लाइव भी किया है। बता दें कि रविवार को विधायक डॉक्टर जनकराज तुंदा और औरा पंचायत के दौरे पर थे। इस दौरान बन्नी तरेला सड़क पर तारकोल डालने के चल रहे कार्य के लिए लाए मटेरियल के टिप्पर पर चढ़कर इसकी गुणवत्ता की पोल खोली और मौके से इन्हें लौटा दिया। साथ ही विभाग के अधिकारियों को भी वीडियो कॉल कर कार्य की गुणवत्ता पर जवाब तलब किया है। वहीं विधायक ने सड़क का मानकों के तहत निर्माण न होने का भी खुलासा अपने फेसबुक लाइव पर किया है। रात में कर रहे हैं ना, फिर मिट्टी वगैरह कुछ नहीं हटा रहे, नीचे मिट्टी के ऊपर ही लुक डाल रहे, कार्बन वगैरह कुछ नहीं डाले, पत्थर निकल रहे दुख से, ऐसे पैर से उखाड़े हुए ना, आप दुख आ रही है पूरी। जी सर, ये हमारा भी कहना है कि आपको कुछ भी स्पाइस कोई नहीं कर रहे, लुक की ठंडा माल जो है वो रात को डाल दे रहे हैं, अपनी मर्जी से काम चलाया हुआ है, लोगों के खेत खूत जो है वो नष्ट भ्रष्ट कर दिए हुए हैं, इन्होंने कोई काम जो है ठीक तरीके से नहीं कर रहे। अगर कहीं पर डंगे लगाने की जरूरत है वो इधर कोई डंगा नहीं लगा रहे, अपनी मर्जी से सारा काम चलाया हुआ है। यही कहना है कि हमारा जो यही कहना है कि इसको अच्छी तरह से काम चलाया जाए और ठीक तरीके से चलाया जाए। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है सर, तो अच्छे बनना चाहिए। यहाँ सीढ़ी लगाओ, ऊपर चढ़ना है, यहाँ चढ़ना है। कौन ड्राइवर, कौन है आप, हैं कहाँ से लेके आ रहे हैं लोग? कंदला से। कितने किलोमीटर दूर है कंदला यहाँ से? कितने बजे लोड किया था ट्रक कंदला भाई? ये 12 बजे। अभी का टाइम है? अभी तो 5। इधर आओ, ऊपर ट्रक आओ, चलो ऊपर चढ़ भाई। बेवकूफ भी बना रहे हैं लोगों का, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का। हमारी किराए पर सर गाड़ी ले, तुम्हारी जी वापस ले जाओ। क्यों डाल रहे हो लोगे? रुको, ये कौन है? ये सब कोई साहब नमस्ते। मैं अभी इसी रोड से वापस आ रहा था ना, ये ट्रक है जिसमें लुक डाली हुई है इन्होंने, ये देखो, ये देखो, ठंडी है, लचोड़ी से लेके आ रहे हैं। इसको इमीडिएटली मैं दोनों ट्रकों को वापस भिजवा रहा हूँ। नहीं नहीं, फेंकवा तो दे, पर फेंकवाऊ कहा? ये तो टोटली खाना पूर्ति का काम चला है ना, कोई आपके विभाग का ना एसडीओ है ना कोई जेई है सुपरविजन करने के लिए। नहीं, ये तो बहुत बड़ा वो है विषय। आप देखो ना, यहाँ पे 12 बजे ये ट्रक लोड हुआ है, अभी 5 बज रहे हैं। मैं खड़ा हूँ इस पे, देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देखो, देखो क्या है ये, ये क्या है ये?
नहीं नहीं, तो ऊपर से विभाग का कोई आदमी नहीं है। नहीं नहीं, तो पैसे की मेयर वेस्टेज है ना एक्सीन साहब, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, पब्लिक को फायदा है ना। बस ठीक है, आप इस पर एक्शन लीजिए। नहीं नहीं, तो बंद कराओ इन चीजों को सबको। ये फेंकवा रहा हूं मैं अभी इनसे, ठीक है। नहीं नहीं, और जितना भी बिछा है ब्लैक टॉप है सारा चेंज कराओ, ठीक है जी। तो आप लोग कुछ बोलते नहीं, लोकल लोग रुक, दोस्त कहाँ गया? वो ड्राइवर तुम्हारी गलती नहीं है, कहाँ से दीपक जसवीर? लगाउंड से। अच्छा, मुख्यमंत्री के इलाके से निकला, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मुद्दा भी लाए थे भाई। तो समस्या तो है ही नहीं। नमस्ते ऐसी साहब, कैसे हैं? मैं हूं अभी बन्नी माता के रोड पे। कहां से ला रहे ट्रक? कंदला से आपके ब्लैक टॉप का ट्रक लोड किया होके आया है। ये देखो, ये हालत है इसकी। मैं ट्रक पे खड़ा हूं, इस पे देख लो। 12 बजे ट्रक लोड हुआ है, ये देख लो। ये दस हजार, ये दूसरा ट्रक खड़ा हुआ इधर, ये देख लो, ये सामने। ठंडी रुक है, मैं खुद खड़ा हूं इस पे देख लो। ये देख लो, जूतों में भी चिपक रही है। नहीं नहीं, ये आज तो पकड़ लिए मैंने, पर आज से पहले ठंडी लुक लगी है। इस ठेकेदार की पेमेंट फ्रीज करो, आपके विभाग का ना जेई ना एसडीओ ने कोई भी यहाँ पे नहीं सुपरविजन करने के लिए, उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए, ठीक है? हाँ, ग्राम पंचायत तुंदा और औरा के दौरे पर था। वापसी पर एक जगह रोड का कार्य जो है वो चल रहा था, जो कार्य नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। वहां पर जब क्रॉस किया तो देखा तो जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है उसकी क्वालिटी जो है वो उचित नहीं थी। हमने वहां पर खड़े ट्रकों को भी देखा, उसके भीतर भी जाके देखा तो वो मटेरियल ठंडा हो चुका था। जब उनसे मैंने इंक्वायर किया तो मालूम पड़ा कि जो बिछाने वाले स्थान से लगभग 6 घंटे की दूरी से उसको वो गर्म करके वहां पर ला रहे थे। हमने तुरंत पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को फोन किया और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को बार बार फोन करने पर भी उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। यूं तो वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत टीका टिप्पणी करते रहते हैं, परंतु जब एक वो चुने हुए प्रतिनिधि के ही कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो जनता के क्या जवाब देंगे। और ये जो गुणवत्ता आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में, हमने ये सारे वीडियो शेयर किए हैं। इस तरह के कार्य जब लोगों के कमेंट्स आप पढ़ें और देखें, पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश भर में पीडब्ल्यूडी विभाग इसी तरह का कार्य कर रहा है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से, सरकार से ये विशेष आग्रह है, कृपया करके व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों को भ्रमित न करें बल्कि धरातल पर गुणवत्तापूर्वक कार्य करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से
आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने। वर्मा ज्वेलर्स।